थाना भगवान पुलिस एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की दोनों टीमों ने करीब 5 करोड़ से अधिक रुपए की चरस मादक पदार्थ बरामद करते हुए 4 अंतरराष्ट्रीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। लंबे समय से एक स्विफ्ट डिजायर कार में चरस की तस्करी होने की सूचना मैनपुरी पुलिस को मिल रही थी, जिसके चलते आखिरकार मैनपुरी पुलिस लंबे समय से इस गाड़ी की तलाश में थी और थाना भोगांव पुलिस और एसओजी टीम ने आखिरकार इस गाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एसओजी टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित, थाना भोगांव प्रभारी गगन कुमार गौड़ अपनी टीम के साथ काशगंज रोड छालपुर आलीपुर खेड़ा के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी सामने से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी संख्या UP78EF3090 आती दिखाई दी। पुलिस को गाड़ी संदेह लगी तो पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी का चालक गाड़ी को भगाने लगा। गाड़ी को रजवाना रोड पर गाड़ी के चालक ने मोड़ दिया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर चढ़ाई पर चढ़ गई और बंद हो गई। तभी पुलिस टीम द्वारा गाड़ी को घेर लिया गया और पुलिस टीम ने गाड़ी में सवार 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनके नाम बिमल राजपूत पुत्र विष्णु राजपूत निवासी छोटी पुलिया देहली सुजानपुर जनपद कानपुर, विवेक कुमार पुत्र रामबाबू निवासी फैसलगंज जनपद कानपुर, अनुज कुमार पुत्र शंभू दयाल कोयला नगर जनपद कानपुर, सौरभ शुक्ला पुत्र अंगद शुक्ला श्याम नगर जनपद कानपुर बताई गई। पुलिस ने उनके पास से 10 किलो चरस मादक पदार्थ, जिनकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपया कही गई है, एक तमंचा, एक मोबाइल और गाड़ी को बरामद किया है। यह तस्कर लंबे समय से तस्करी कर रहे थे। मौके की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ी में निचले हिस्से में यह सभी तस्कर चरस को छुपा कर ले जाया करते थे और इसकी तस्करी किया करते थे। पुलिस टीम ने रात्रि में ही गाड़ी से चरस के पैकेट बरामद किए हैं। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने चरस के पैकेट गाड़ी से निकाले हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने पुलिस टीम की इस बड़ी सफलता को लेकर प्रेस वार्ता की है और पूरे मामले की विस्तृत रूप से जानकारी दी है। उन्होंने पुलिस टीम को बड़ी सफलता पर 25,000 का इनाम भी दिया है। साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। हमारी प्रभारी निरीक्षक भोगांव गगन गौड़ और यसोजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित की पूरी टीम एक चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है, जिसमें 10 केजी चरस बरामद हुई है। ये एक फोर व्हीलर गाड़ी में जो स्विफ्ट डिज़ायर है उसमें जो साइलेंसर के नीचे एक केबिन में चोरी का एक केबिन बनाए हुए थे, वहाँ पर इसको रखे हुए थे और ये बरामद किए हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है। ये बड़ी सफलता है, बड़ी रिकवरी है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों कानपुर के रहने वाले हैं और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये नेपाल काठमांडू से ये लेकर के आ रहे थे और ये पंजाब जा रहे थे और बड़ी कीमत पर इसको बेचते हैं। तो इनके जो वहाँ से बरामद हुई है वो 10 केजी चरस बरामद हुई है। ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से कैरी कर रहे थे तो वो भी बरामद हुई है। इनके मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो जिनसे और भी सर्विलांस के माध्यम से इनके बारे में जानकारी की जाएगी। एक जो इसमें मुख्य अभियुक्त है बिमल राजपूत, इससे असलाह भी बरामद हुआ है और ये पहले भी अयोध्या से NDPS पे ही जेल जा चुका है और इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है। ये एक बड़ा गैंग है जो इस तरह की ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त रहे हैं। हमारी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है और बड़ी रिकवरी है, बड़ी कामयाबी है। इस पर इनके विरुद्ध और भी जो भी जानकारी होगी मुकदमे और इनकी देखे जा रहे हैं और इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर टीम की तरफ कुछ